हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है आपके लिए। सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक, या फिर जब ये बात होके भी बात नहीं हो पा रही है, जैसे दिल की बात नहीं कर रहा, तो देखते हैं मैसेजेस के थ्रू आखिर आपसे वो कहना क्या चाहते हैं। ओपन योर हार्ट, योर बॉडी ऑफ लव, attraction, look beyond illusion, patience। मॉडर्निक सोलमेट है आज की रीडिंग। शाम की रीडिंग अगर देखी नहीं है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि यही चीज निकल के आई थी। सोल कनेक्शन है, सोल मेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये जो जोड़ी है ना, ऊपर वाले ने बनाई है और वो बन के रहेगी। मेड फॉर इच अदर एंड मैड फॉर इच अदर। भले कितने भी बड़े झगड़े हो और अभी तक कमिटमेंट ना हुई हो, या बात बनते बनते बिगड़ गई हो, जो भी सिचुएशन आपकी, ये जो रिश्ता है ना वो भूखे रहेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही वैसा है मिलने के लिए बने हो। पैशन इस रिश्ते में, पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, झगड़े भी है, सेपरेशन भी है, सब कुछ है, सब कुछ है। तो फिलहाल अगर सेपरेशन चल रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन चल रहा है, या तो बात नहीं हो रही है कुछ है, तो उसमें स्पेशली ऐसा लग रहा है ना, आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाइज हो या नॉर्मली ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। लाइक ना, आप बात नहीं कर रहे, आप अपना जो प्यार है ना पहले के जैसा, वो उनको नहीं दे रहे। वो एनर्जी वाइज भी उनको फील होता था, भले सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक हो, या फिर क्लियर नहीं हुआ है, एक्सप्रेशन नहीं है, लाइक एक्सप्रेस नहीं किया गया आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, फिर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल है, स्पेशली इनकी तरफ से है आपकी तरफ ना, जैसे खींचे चले आ रहे हैं, पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव। जिस तरह से इनको प्यार चाहिए, जिस तरह की प्यार की एनर्जी इनको चाहिए थी, शायद उन्होंने पहले कुछ और भ्रम वाला था कि ऐसा होता है प्यार, ऐसे होता है, या प्यार ऐसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, ऐसा नहीं होता या वैसा नहीं होता। जो भी प्यार के मामले में इनके जो ख्याल थे, वो तो या तो क्लियर हुए हैं, या तो उनके जो भ्रम है वो टूट रहे कि ऐसे ही होता है रिश्ते, प्यार वैर कुछ नहीं होता, तो वो भ्रम टूट रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा ना कि प्यार के मामले में ऐसा लगता है ना कि जो प्यार जिसे कहते हैं, एक कनेक्शन जिसे कहते हैं, सोल कनेक्शन जिसे कहते हैं, वो आप ही के साथ फील हो रहा है। दुनिया घूम ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, एडिक्शन हो, किसी के साथ टाइम पास हो, रिश्ते बना लिए, रिश्ते तोड़ लिए, सब कुछ हो, लेकिन आपकी बात है ना कुछ अलग ही है, क्योंकि कनेक्शन ही ऐसा है, कुछ अलग है। फिलहाल पेशेंस, फिलहाल ऐसे लग रहा है ना कि इनका एक्चुअली सब्र का बांध टूट तो रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद से चीज़ें बदलने का, जैसे कि कुछ चीज़ लाइक निगेटिव जो हो रहा है उसके तूफान के गुजरने का इंतज़ार है। लाइफ में बहुत सारे तूफान है, बहुत सारे टावर सिचुएशन है, उसके गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब आपके प्यार के लिए तरस के बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्यार आपसे मिलता है किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं। आई कॉन्ट अफोर्ड योर ड्रीम्स राइट नाउ, ये आपके ड्रीम्स जो भी सपने हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो पेशेंस रखे हुए, वेटिंग एनर्जी में है। आई लेफ्ट यू बिफोर आई यू लिव मी, इनमें हिम्मत नहीं है आपसे दूर होने की, मतलब सॉरी आपसे दूर होने की इन द सेंस कि आप दूर करें, ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ ही ऐसे खास एनर्जी है। दुनिया में किसी की तरफ से रिजेक्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से नहीं, इसलिए खुद पहले ही पीछे हट गए, क्योंकि आपका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। सो आपकी आपके सामने
इन्होंने कभी ठीक से अपनी बात रखी नहीं, अपनी फीलिंग्स जो ट्रू फीलिंग्स हैं, स्पेशली आपसे ये कितना प्यार करते हैं ये कभी कहा ही नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं किया। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज, ये अभी आपका साथ देना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए ये अभी आपका साथ देना चाहते हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि जैसे ना बहुत सारे इन्हें आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे सच छुपाए रखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ लोग भी और निर्वजन कह रहा है कि जैसे ये स्टेटस डीपी या बात करने में कुछ भी बोलते हो, स्पेशली जब निगेटिव, जैसे किसी के साथ खुश है या जो भी है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट स्पेंड विथ यू इज प्रेशियस फॉर मी। सो मैंने शाम की रीडिंग में कहा था ना, ये आपके लविंग मेमोरीज में इतने खोल रहे हैं ना कि पूछूं, एकदम खोल, मतलब ऐसा लगता है ना कि ये जो है ना बहुत खास मोमेंट्स हैं लाइफ के। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि ये एक खूबसूरत रिलेशनशिप इनकी वजह से ही खराब हुआ है। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। सो ये कनेक्शन डेफिनेटली सोलमेट है, स्पेशली ट्विन फ्लेम होने के चांसेस है, जो ये मैसेज जिनके लिए है, क्योंकि पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड, ये बात ट्विन फ्लेम ही कहते हैं, क्योंकि उनको लिटरली बहुत कुछ अलग करना होता है, सिर्फ यूनियन ही नहीं उनका उद्देश्य होता है, ये गोल होता है। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, आपके बिना लाइफ ना वर्थलेस, मीनिंगलेस, मतलब ही नहीं लगा, जीने का एहसास ही नहीं लगता, या लाइफ में कुछ होने का एहसास नहीं लगता, लाइफ में सब कुछ गायब हो जाता है, इंस्पिरेशन और डिज़ायर सब चीज़। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट इट गो, मैंने बार बार ये फील हो रहा है कि आसान नहीं था, आसान नहीं था इनके लिए भी कि आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, गिफ्ट ऑफ गॉड। सो मैंने जहाँ कहा यू आर वर्दी ऑफ लव, और यहाँ पे गिफ्ट ऑफ गॉड, मोस्ट प्रेशियस का। सो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और आज की एनर्जी में परफेक्ट रीडिंग है कि जहाँ पे इनको एक एहसास है कि आप क्या, मैंने कहा ना जग घुमैया और थारे जैसा कोई नहीं, कनेक्शन ही वैसा है, यूनिक, मतलब अभी ये फील करने पर हैं। तो ये थे खूबसूरत मैसेजेस उनकी तरफ से, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।